लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो तुम यहां से जाकर गांव में एक नई जिंदगी बसाना चाहते हो? हां सरदार, इसलिए आपका आशीर्वाद लेने आए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, लेकिन एक बात बता सकते हो शेरू, गांव की जिंदगी में ऐसी कौन सी कशिश है जिसकी वजह से तुम हमको अपने सारे साथियों को छोड़ के हमेशा के लिए जाना चाहते? सरदार, यहां की जिंदगी और वहां की जिंदगी में बहुत फर्क है। यहां हम दूसरों के आंसू बहाते हैं, वहां दूसरों के आंसू पहुंचे जाते हैं। यहां हम अपने लिए दूसरों की खुशियां लूटते हैं और वहां दूसरों के लिए अपनी खुशियां बांटी जाती है। अच्छा बांटते हैं खुशियां। अच्छा है सरदार, काका आप दोनों ने मुझे बेटे की तरह पाला है। मैं तो आपसे भी कहूंगा, बल्कि इन सबसे कहूंगा कि छोड़ दो उस नर्क को। यहां रखने क्या है? नफरत ही नफरत, मौत ही मौत, और वहां हर तरफ जिंदगी है, मुस्कुराहटें हैं, खुशियां हैं। और खुशी वो चीज है जो बताई नहीं जा सकती, सिर्फ महसूस की जा सकती है। आप बेवकूफ, शेर तुम लोगों में खुशियां बांटने के लिए आया है और तुम इसका शुक्रिया अदा भी नहीं करोगे? हम तेरा शुक्रिया अदा करेंगे शेरू। सरदार, मैं इजाजत नहीं आशीर्वाद लेने आया था, और फिर अब तुम इस काबिल भी नहीं रहे। शेरू को हमारा आखिरी आशीर्वाद दे। समझ गया। भीमा, भीमा, जाने दे शेरू को, जाने दे। चल हट। भीमा, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। बाबू का हुक्म इस बात तुझे? भीमा, भीमा! ठीक हो ना? हाँ बेटा। तो मैं भीमा से निपट के आता हूँ। नहीं बेटा, पहले मेरी बात सुन ले। मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा बोझ है, तू डाकू नहीं। क्या? मैं जानता हूँ मेरी जगह में शरीफ खून है। काका, तुम मेरे बारे में जानते हो क्या? कौन हूँ मैं, किसका बेटा हूँ? बेटा तलवार तेरे बाप है। हाँ काका, बहुत बड़ा डॉक्टर है बेटे। डॉक्टर? लेकिन नाम क्या है उनका? डॉक्टर डॉक्टर विद्याभूषण। कहाँ काका, कहाँ? जमुना नगर में। जमुना नगर? काका 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 काका, जालिम सिंह को सब कुछ मालूम है, लेकिन लेकिन तुम उसके पास मत जाना, तुम उसके पास मत जाना, अपने बाप के पास आना, अपने बाप के पास आना। काका, अपने काका, काका, Thank you.
बिजली धीमा से मुझे बचाते हुए काका ने अपनी जान दे दी बिजली, अपनी जान दे दी बिजली। चल तू भी मेरे साथ चल, अब तेरा यहां क्या है? नहीं, तू ही जा शेरू, मैं यही रहूंगी। काका के मर जाने का मुझे अफसोस है साथियों, लेकिन गद्दार गद्दार होता है और गद्दार की सजा है मौत। लेकिन शेरू हाथ से निकल गया, अब उसका क्या होगा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ दीमा, तुमने उसका पीछा क्यों नहीं किया? अगर वो पुलिस में चला गया तो यहां सबकी जान को खतरा है सरदार, ये जगह में सारा चल देना चाहिए। तुम्हारी जान की फिक्र तुमसे ज्यादा तुम्हारे सरदार को है। खतरा किसकी जान के लिए है ये वक्त बताएगा। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो असली नहीं नकली शेर सिंह था जो आग में जल के मर चुका? सोना असली हो ना तो आग में कभी जलता नहीं, और डाकू असली हो तो पुलिस के हाथ कभी लगता नहीं। और फिर शेर सिंह का ये छोटी छोटी दुकानों से छोटा छोटा माल लूटना और शराब के नशे में किसी अंजी लड़की को उठा के ले जाना, छी 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 छी, शेर सिंह ऐसी नीच बातें सोच ही नहीं सकता। आप क्या सोच रहे हैं जी? आपके बारे में? मेरे बारे में? साफ चाय, एक और चाय लो। अच्छा जी, मैं सोच रहा था मिस्टर, आपका नाम क्या है? सही, के के सही। ऐसे ही अरुष सिंह, मैं ये सोच रहा था कि शेर सिंह के बारे में काफी मालूम आता है आपको। जी हाँ, इसलिए तो हाजिर हुआ हूँ डिप्टी साहब। अच्छा किया आपने, हम पुलिस वालों को कानून की मदद के लिए आप जैसे आदमियों की हमेशा जरूरत रहती है। अच्छा एक बात बताइए जी, क्या ये सही है कि शेर सिंह की शक्ल सिर्फ उसके गिरोह वालों ने देखी है और किसी ने नहीं देखी आज तक? जी हाँ, डाका डालते वक्त सारे का सारा गिरोह नकाब पहने हुआ पाए, लेकिन डिप्टी साहब हमारे पास भी देखने वाली वो आंख है जो नकाब चीरती हुई चली जाए। ओ बहुत खूब। वैसे हम पुलिस वालों को भी ऐसी ही निगाह रखनी पड़ती है मिस्टर सिंह। आपने ये नहीं बताया कि ये शेर सिंह का आपने जिक्र किया है वो है कहाँ? यही तो बताने के लिए आया था डिप्टी साहब, दुर्गापुर के मंदिर में अमृत नाम का एक लड़का आजकल ठहरा हुआ है, वही अमृत शेर सिंह है। डिप्टी साहब हमने अपना फर्ज निभा दिया है, अब आप अपना फर्ज निभाइए। जालिम सिंह हमें अपना फर्ज नहीं निभाना दोगे? बहुत खूब डिप्टी साहब, हम मान गए कि आपके पास दीप देखने वाली आंख है, जरा उसी आंख से बाहर देखिए।